साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश में जगन्नाथपुरी का एक ऐसा मंदिर है जहां अनेक रहस्य मौजूद हैं, जो विज्ञान को भी मात देते हैं। उड़ीसा के पंचसखा में एक संत अच्युतानंद दास ने 500 वर्ष पहले अनगिनत भविष्यवाणियां की हैं। उनकी भविष्यवाणी की किताबों को भविष्य मालिका कहा जाता है। उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही देश के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियां की गई हैं। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत में और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। उनकी एक भविष्यवाणी महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। क्या समुद्र में समाहित हो जाएगा जगन्नाथ का मंदिर? क्या जगन्नाथ मंदिर में बैठा बाज लाएगा महाप्रलय? क्या होगा महाभारत का अंतिम युद्ध? क्या है संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियां? क्या धरती पर आएगा अकाल? आज के दौर में अधिकांश लोग मानव मूल्यों के ह्रास के लिए कलयुग को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में जब भी कभी इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो लोग कहते हैं कि ये सारा कलयुग का प्रभाव है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में भी लिखा गया है? ऐसे में इस कलयुग का अंत कब होगा, ये बात हर कोई जानना चाहता है। आस्था का कोई नियत स्थान तो नहीं होता, परंतु नियत स्थानों से आस्था का उद्भव जरूर हो सकता है। कभी आस्था से आस्था स्थल का उद्गम होता है, तो कभी आस्था स्थल का आस्था का, और सदियों तक दोनों का संगम चलता रहता है। ऐसी ही आस्था का स्मारक है भगवान जगन्नाथ के मंदिर में। ऐसे में तो ये मंदिर अपने आप में रहस्य से भरा है। इस मंदिर से जुड़े सबसे बड़ा रहस्य है मंदिर के शिखर पर लगा झंडा, जिसमें समूचे देश पतित पावन के नाम से जानता है। ये झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जिस 16वीं सदी के संत अच्युतानंद दास ने 500 वर्ष पहले कलयुग के अंत, महाविनाश और उसके बाद नए युग की कई भविष्यवाणियां की हैं, वर्तमान में उनके द्वारा लिखी पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं, जिसमें यह बताया गया है कि जिस दिन जगन्नाथ मंदिर में निम्नलिखित घटनाएं घटेंगी, तो समझ लेना कि कलयुग का अंत हो गया है और अब महाविनाश प्रारंभ होगा। संत अच्युतानंद दास ने अपने भविष्य मालिका में कलयुग के अंत और इसके बाद विनाश की भविष्यवाणी की थी। इसके बाद उन्होंने सतयुग के प्रारंभ की बात कही है। कहते हैं कि भविष्य मालिका एक गुप्त ग्रंथ है। कहते हैं कि कलयुग के अंत में इस ग्रंथ को लोगों के सामने लाने के कार्य करेंगे प्रभु जगन्नाथ के 256 भक्त। उड़ीसा के सत्याभांजा नाम के एक व्यक्ति ने भविष्य मालिका का खूब प्रचार प्रसार किया है। उन्हीं के वीडियो को सुनकर हजारों लोग अपने अपने तरीके से भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों को प्रचारित कर रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर के बारे में तो जानते ही होंगे, यह 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इस मंदिर में होने वाले चमत्कार भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, बलभद्र और सुभद्रा। यह मंदिर उड़ीसा में स्थित है। भविष्य मालिका को 500 वर्ष पूर्व संत श्री अच्युतानंद दास महाराज ने लिखा था। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ दिखाई देता था। उन्होंने कलयुग के अंत को लेकर काफी भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें से 9 भविष्यवाणियां अभी तक साबित हुई हैं। भगवान जगन्नाथ जी का अपमान। जब भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष नव कलेवर की रस्म होती है। इस रस्म में पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। कहते हैं कि 1996 के बाद 2015 में इस रस्म को लेकर पुजारियों में झगड़ा हो गया था।
जिसकी वजह से इस रस्म में देरी हुई थी। उड़ीसा में कई लोगों ने इसे भगवान जगन्नाथ के अपमान और परंपराओं को खंडित करने के तौर पर देखते हैं। मंदिर के गुंबद से गिरेंगे पत्थर। जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद से नीचे पत्थर गिरेंगे। कहते हैं कि वर्ष 1842 से लेकर अब तक लगभग 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। गिर जाएगा कल्पवृक्ष। उड़ीसा में चक्रवाती तूफान से जगन्नाथ मंदिर का कल्पवृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा और इसकी बाद दुनिया में लाखों लोग मरने लगेंगे। उड़ीसा में मई 2019 में फानी नाम का एक तूफान आया था जिसमें यह बरगद का पेड़ गिर गया था। 19 के अंत में ही कोरोना महामारी का प्रकोप प्रारंभ हुआ था और लोगों के मरने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। मंदिर के ध्वज का गिरना। जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और एक चक्रवाती तूफान के कारण झंडा समुद्र में जा गिरेगा। मई 2019 में चक्रवाती तूफान पानी के कारण यह घटना घट चुकी है। इसके बाद मई 2020 में भी यह घटना घट चुकी है। मंदिर के नील चक्र का टेढ़ा होना। जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में समुद्री तूफान फानी के कारण यह विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। मंदिर के ध्वज का जलना। जगन्नाथपुरी के मंदिर के ध्वज में आग लग जाएगी। 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के दिन मंदिर के परिसर में महादीप जलाया गया था। अचानक हवा चलने से ध्वज उड़कर महादीप के पास चला आया और उसमें आग लग गई। उस समय इसे बहुत बड़ा अनिष्ट माना गया था। उसके 5 दिन बाद देश में पहला लॉकडाउन लग गया था। इसके बाद ही भारत में दूसरी लहर का ऐसा मंजर देखा गया जिसने त्राही मचा दी थी। चारों तरफ चिताएं जल रही थी। त्रिदेव के वस्त्र में आग लगना। मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर परिसर में यह घटना भी कई बार हो चुकी है। मंदिर के शिखर पर गिद्ध का गुंबद पर बैठना। मंदिर के शिखर पर और एकाकश्म स्तंभ पर गिद्ध बैठेगा। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर के आसपास कभी भी किसी पक्षी को उड़ता नहीं देखा गया है और ना ही इसके आसपास कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। लेकिन मंदिर के ऊपर जुलाई 2020 और इसके बाद दिसंबर 2021 में गिद्ध, चील और बाज दिखाई दिए। मंदिर के शिखर, ध्वज, एकाकश्म स्तंभ और नील चक्र पर ये पक्षी बैठे हुए दिखाई दिए थे। मंदिर में बार बार होगा रक्तपात। जगन्नाथ के मंदिर में बार बार रक्तपात होगा, खून के धब्बे मिलेंगे। यह घटना भी घट चुकी है। मंदिर परिसर में बार बार खून के धब्बे मिल रहे हैं, कभी झगड़ों के कारण तो कभी अन्य रहस्यमयी वजह के चलते खून के धब्बे देखे गए हैं। कई बार मंदिर का शुद्धिकरण करके महाअनुष्ठान किया गया है। हाल ही में महाभारत के युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वो सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी। कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है।
कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। भविष्य मालिका सारे विश्व के भक्तों के लिए एक अमूल ग्रंथ है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में मुगल साम्राज्य तक लिखा है, लेकिन मुगल साम्राज्य से अनंत युग तक और अनंत युग से सतयुग तक भविष्य मालिका में लिखा है। महापुरुष अच्युतानंद जी ने कहा है कि पूरब का सूरज पश्चिम में उगेगा, पर्वत शिखर पर कमल विकसित होगा, लेकिन उनकी ये बातें झूठ नहीं होगी। हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि कलयुग का अंत हो चुका है, अब सतयुग आएगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। इस दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।